हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज हम सीखने वाले हैं एक्टिनो माइकोसिस जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द यूनिवर्सिटी एज वेल एज फॉर नीट एमडीएस सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिनो माइकोसिस इज अ क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस सुपरेटिव एंड फाइब्रोजिंग डिजीज सो दिस इज नॉट एक्यूट दिस इज क्रॉनिक ग्रेन्यूलोमेटस सुपरेटिव इट मीन रिलीजिंग ऑफ पस एंड फाइब्रोजिंग डिजीज ये याद रखेंगे नॉन एसिड फास्ट ब्रांच फिल्मेंटस बैक्टीरिया एम सी क्यू यहां से बनते हैं गाइज ये याद रखेंगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो दिस इज कॉज्ड बाई एनरोबिक एंड माइक्रो एरोफिलिक ग्राम पॉजिटिव ड फास्ट ब्रांच फिलेंटस बैक्टेरिया ये याद रखेंगे एम सी क्यू पूछता है दे आर नॉर्मल सेप्रोफाइटिक कॉम्पोनेट्स दे आर सेप्रोफाइटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ ओरल फ्लोरा कोलोन एंड वेजाइना नाउ टॉक अबाउट इटियोलॉजी सो एनरोबिक ग्रैम पॉजिटिव एंड फिल्मेंटस बैक्टीरिया जो मैंने पहले बताया था इसकी वजह से कॉज हो रहा है दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन आइडेंटिफाइड इन डेंटल प्लाग्स ये ऑर्गेनिज्म डेंटल प्लाग में देखा गया है डेंटल कैल्कुलस में देखा गया है नेक्रोटिक पल्प्स में देखा गया है टॉन्सल जब टॉन्सलाइटिस होता है तब देखा गया है ओके सो बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर फिलामेंट्स फ्रीक्वेंटली ब्रेकिंग अप इन टू बेसिलरी एंड कोकाइड फॉर्म्स

अनदर इन्फेक्शन दैट प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ सल्फर ग्रैन्यूल्स इज बोट्रियो माइकोसिस ये भी एम सी क्यू पूछता है गाइज आपको दो ऑप्शन दे देगा वहां पर पूछेगा कि कौन कौन से आ, डिजीज में या फिर कंडीशन में आपको ये दिखता है सल्फर ग्रैन्यूल्स तो आपको याद रखना है सल्फर ग्रैन्यूल्स एक्टिनोमाइकोसिस में दिखता है और दूसरा बोट्रियो माइकोसिस में भी दिखता है याद रखना है ओके एक्टिनो इज क्लासिफाइड एनेटोमिकली अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द डिजीज इसको क्लासिफाई किया गया लोकेशन ऑफ दिस कहां कहां ये पाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया <clears throat> तो फर्स्ट इज योर सर्वाइकोफेशियल वेरी कॉमन सर्वाइकोफेशियल सबसे ज्यादा कॉमन है फिर एबडोमिनल में भी होता है ये और पल्मोनरी फॉर्म्स भी होता है ये तीन फॉर्म्स आपको याद रखना सर्वाइकोफेशियल एब्डोमिनल, पल्मोनरी फॉर्म्स ओके नाउ पैथोजेनेसिस की अगर बात करते हैं तो ये एंडोजेनस इन्फेक्शन है एंड नॉन कम्युनिकेबल ये कम्युनिकेट नहीं होता एक दूसरे से नहीं फैलेगा ओके ट्रॉमा सीम्स टू प्ले अ रोल इन सम केसेस बाई इनिशियटिंग अ पोर्टल ऑफ एंट्री फॉर दर्गेज ऐसा माना गया है कि ट्रोमा कॉज करता है कहीं ट्रामा हो गया तो उसके जरिए वो एक पोर्टल ऑफ एंट्री बनाता है इन्फेक्शन को ले जाने के लिए ओके तो ये हो सकता है अब एपिडोमोलॉजी की अगर बात करें तो इन दिडल एज ये मिडिल एज में ज्यादा इफेक्ट करता है मेल्स आर मोस्ट कॉमनली एफेक्टेड फीमेल्स ओके क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो जो सर्वाइको फेशियल मैंने पहले बताया था आपको सर्वाइको फेशियल एक्टिनोमाइकोसिस होता, होता है वो मोर कॉमन होता है ओके ऑफ ऑल में ये देखा गया है स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन ऑफ द टिश्यूज यहाँ स्वेलिंग होगा और इंड्यूरेटेड होगा वो सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग इवेंचुअली डेवलप इनटू वन और मोर एप्स जो स्वेलिंग हो रहा है वहीं पे एप्स बनना शुरू हो जाता है स्किन इसमें आपको पर्पलिश रेड दिखेगा इंड्यूरेटेड दिखेगा हैज फील ऑफ़ वुड और होगा ये मैंडिबल को भी इन्वॉल्व कर जाता है विच रिजल्ट इन एक्टिनोमाइकोटिक ऑस्टियोमाइलाइटिस मतलब एक्टिनो तो है ही है साथ में ऑस्टोमैलाइटिकमेशन ऑफ बोन एंड बोन मैरो आप ये देख सकते हैं it is involving the mandible, mandible को involve किया, ये indurated है, swelling है, ओके okay? ये याद रखना आपको अब दूसरा टाइप जो है दैट इज एपडोम एक्टिनोमोसिस वो भी होता है ये एक्सट्रीमली सीरियस फॉर्म ऑफ द डिजीज है ये एबडोमाइकोसिस एंड कैरीज हाई मोर्टिलिटी रेट इसमें डेथ रेट ज्यादा होता है ओके okay? इसमें फीवर आपको आता है आएगा, जाएगा या वॉमिटिंग होगा पेशेंट को इंटेस्टाइनल डेवलप होना शुरू हो जाएंगे ओके। अब पेन होगा इसमें यह देखा गया है अब हिस्टोलॉजिकल फीचर्स की अगर बात करें तो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में ग्रेन्यूलोमेटस शोइंग सेंट्रल एप्सिस

पोलिमोफो न्यूक्लियोसाइड होंगे इसमें मल्टी न्यूक्लेटेड जाइंट सेल्स भी देखे गए हैं मैक्रोफेजेस देखा गया है एंड इंडिविजुअल कॉलोनी में भी अपियर राउंड और लोब्यूलेटेड वो राउंड भी दिखते हैं या फिर लोब्यूलेटेड भी दिखते हैं अब ये देख सकते हैं ये है ग्रैन्यूल जो कि कंपोज है मास ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विद ब्रांचिंग फिलामेंट सेंटर पे ओके okay? नाउ ये जो साइड साइड में आप देख रहे हो is चारों ओर इसके, and then इसमें न्यूट्रोफिल्स होता है डेंस शीट्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स पाए जाएंगे infiltrates ये भी देखा गया है इसमें याद रखेंगे पेक्यूलियर अपियरेंस ऑफ कॉलोनीज विद पेरीफेरल रेडिएटिंग फिल्मेंट एज रे फंग भी एकदम से क्लिक होना चाहिए ओके okay. <clears throat> क्योंकि यहाँ पे क्या होता है अपियरेंस ऑफ कॉलोनीज होता है विध पेरीफेरल रेडिएटिंग फिलमेंट जो उसके होते हैंट होते हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे रे फंगस इसी वजह से इसको रे फंगस बोला गया है द टिश्यू लीजन एग्जिबिट्स फाइब्रोसिस यहाँ पे फाइबर्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे एंड ये जो है मिथामिन मिथेनामिन सिल्वर स्टेन से ये आपको दिखेगा ये पॉजिटिव होता है मिथनमाइन सिल्वर स्टेन से देन ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस की अगर बात करेंगे तो लॉन्ग स्टैंडिंग फाइब्रोसिस केसेस आर ट्रीटेड बाय एक्सरसाइजिंग दी साइनस ट्रैक विद हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स देते हैं इसमें पेनिसिलिन भी देते हैं टेट्रासाइक्लिन देते हैं इरेथ्रोमाइसिन यूज इसको देखा गया ये बहुत इफेक्टिव होता है एंटीबायोटिक तो थैंक यू गाइस आई होप आप समझ गए होंगे एक्टिनोमाइकोसिस माइकोसिस अगर कुछ नहीं समझ में आया हो एक्टिनोमाइकोसिस माइकोसिस पे तो मुझे कमेंट कीजिए मैं उस अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूँगा थैंक यू सो मच